हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं विरत दुबे आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटर में। और ये सेशन करंट अफेयर्स का है जिसमें हम 9 और 10 अप्रैल की करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये कम्बाइंड करंट अफेयर्स है, दो दिन की, 9 और 10 की, ठीक है। चलिए, तो इसमें आपको जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा उसकी PDF भी आपको प्रोवाइड हो सकेगी। PDF प्रोवाइड आपको कहाँ पर होगी? आपको PDF प्रोवाइड होगी हमारे WhatsApp नंबर पर, जो कि मैंने आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करते हुए विंडो पर लगा करके दिखा दिया है। तो आप इस पे जो है जा करके अपने अपना WhatsApp जो है कर सकते हैं, और WhatsApp में आपको करंट अफेयर्स की PDF अपलोड होकर के मिल जाएगी। फिलहाल हम यहाँ पर आज की जो करंट अफेयर्स है 9 और 10 की, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उन पर डिस्कशन करने के लिए आपके सामने आए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंट्री विच हैज़ बैंड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन वेटलिफ्टिंग इवेंट्स इन टोक्यो ओलंपिक्स बाय इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन की प्रतियोगिता में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने वाले देश का नाम बताइए। प्रतिबंध किस देश पर लगा है? तो यहां पर इसके एक तो लगा है प्रतिबंध जो है आपका थाईलैंड पे, और दूसरा लगा है ये मलेशिया पे। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4, बोथ 1 एंड 2। तो दोस्तों यहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि टोक्यो फेडरेशन, टोक्यो जो कह सकते हैं कि ओलंपिक्स होने वाले थे वो कैंसिल हो चुके हैं, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए दो कंट्रीज़ को मना कर दिया गया था वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा, IWF के द्वारा। और ये दो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? ये दो कंट्रीज़ हैं थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड, इसको 3 साल के लिए, और जो मलेशिया है इसको 1 साल के लिए खेल से प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि इनके ऊपर मल्टी डोपिंग ऑफेंसेस के आरोप लगे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द पर्सन हु ऑथर्ड द बुक नेम्ड डेडलिस्ट एनिमी आवर वॉर अगेंस्ट किलर जर्म्स अलोंग द एपिडेमियोलॉजिस्ट माइकल ऑस्टरहोम। तो माइकल ऑस्टरहोम के द्वारा, जो कि एक एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, उनके द्वारा लिखी गई एक किताब है जिसका नाम है डेडली एनिमी आवर वॉर अगेंस्ट किलर जर्म्स। ये पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। इनके साथ में कौन सा दूसरा व्यक्ति है जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है? तो माइकल ऑस्टरहोम के साथ इस किताब को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है मार्क ओलास्कर। तो मार्क ओलास्कर ने ये किताब लिखी है, और ये नहीं, एक और किताब भी है। ये किताब जो आपकी मई में 2020 में प्रकाशित होने की उम्मीद है, और मई 2020 में एक और बुक भी इसी प्रकार की रिलीज होगी जिसका नाम है हाउ कंटेजियन वर्क्स साइंस अवेयरनेस एंड कम्युनिटी इन टाइम ऑफ ग्लोबल क्राइसिस। ये किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब हो सकती है, और ये इटालियन फिजिसिस्ट पाओलो जियोनार्डो के द्वारा लिखी जा रही है किताब। तो एक तो बुक हो गई हमारे पास, एक तो बुक यहाँ पर हो गई हाउ कंटेजियस वर्क साइंस अवेयरनेस एंड कम्युनिटी इज अ टाइम ऑफ ग्लोबल क्राइसिस, एक ये बुक हो गई। दूसरी बुक मैंने आपको बताया अभी, डेडली एनिमीज अवर वॉर अगेंस्ट किलर जर्म्स, ये कह सकते हैं एक दूसरी बुक है। ये दो बुक्स हैं, दोनों बुक्स जो हैं वो एशेट US के द्वारा जो है वो पब्लिश होने की बात कही गई है मई 2020 तक के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर? हर साल अंतर्राष्ट्रीय खेल विकास एवं शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, हर साल खेल एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 अप्रैल, 6th of April को मनाया जाता है, ठीक है। और ये इस प्रकार से देखा जाए तो 7वां संस्करण इस खेल दिवस का मनाया गया है, 7वां संस्करण, ठीक है, 2020 में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ परसेंटेज कट इन सैलरीज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 एज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट विच विल बी इफेक्टेड फ्रॉम अप्रैल 1, 2020। 1 अप्रैल 2020 से ये नियम प्रभावित हो जाएगा, जो कि कैबिनेट द्वारा अनुमोदित वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सभी सांसदों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपालों के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की गई है। तो ये कटौती करी गई है भाई 30% की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यूनियन कैबिनेट जिसके हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने इसको अप्रूव किया है, और ये कहा है कि 30% जो है वो सैलरी कट होगा। किनका किनका? यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, और जो दूसरे कह सकते हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, ये सब जो लोग हैं इन लोगों का, ठीक है। और साथ ही साथ दो साल के लिए एक और बात कही गई है यहां पर, 2 साल के लिए
जो लोकल एरिया एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो है इसको भी कह सकते हैं कि सस्पेंड किया गया है। ये 2 साल 2020-21 और 21-22 है, यानी 2020-21 के लिए सैलरी कट है और 21-22 तक के लिए लोकल एरिया डेवलपमेंट जो स्कीम है उसको जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। और इससे बचने वाले जो पैसे हैं इसको COVID-19 से फाइट करने के लिए इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड में रखा जाएगा, ठीक है। और ये सारी जानकारी किसके द्वारा प्रकाशित की गई, ये सारी जानकारी भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उनके द्वारा ये प्रेजेंट करी गई थी। व्हाट इज़ द ग्रेट अनाउंसमेंट बाय यूएस गवर्नमेंट सॉरी व्हाट इज़ द ग्रांट अनाउंसमेंट बाय यूएस गवर्नमेंट फॉर इंडिया थ्रू इट्स एड एजेंसी USAID, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो USAID जो संस्था है यूएस गवर्नमेंट की, उसने अमेरिकी सरकार ने अपनी मतलब इस एजेंसी के माध्यम से भारत के लिए कितने अनुदान राशि की घोषणा करी है, तो ये अनुदान राशि है 2.9 मिलियन, ठीक है, 2.9 मिलियन US डॉलर की अनुदान राशि की घोषणा करी है COVID-19 से लड़ने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिलैक्स्ड नॉर्म्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डेज दैट अ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी कैन कंटिन्यू टू ओवरड्राफ्ट टू हाउ मेनी डेज। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनों की संख्या बढ़ा दी है जो कि एक राज्य केंद्रशासित प्रदेश कितने दिनों तक ओवरड्राफ्ट कर सकता है, जो कि 14 दिन तक होता था। तो अब जो ओवरड्राफ्टिंग की लिमिट है वो 14 दिन से बढ़ा करके 21 दिन कर दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। 14 दिन से बढ़ा करके इसकी ओवरड्राफ्टिंग की लिमिट कितनी कर दी गई है, 21 दिन कर दी गई है। और ये सारा जो है वो कोरोना वायरस की वजह से जितनी भी फाइनेंशियल दिक्कतें आ रही हैं उसको मैनेज करने के लिए RBI ने किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द पेमेंट बैंक विच हैज़ ज्वाइंट द भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। उस पेमेंट बैंक का नाम आपको बताना है जो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ जुड़ गया है, और ये पेमेंट बैंक का नाम है एयरटेल पेमेंट बैंक, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है एयरटेल पेमेंट बैंक जो इससे जुड़ गया है। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूँ कि एयरटेल पेमेंट बैंक जब भारतीय एक्सा के साथ जुड़ा है तो इसने दो डिफरेंट टाइप के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी जो है वो साझा किए हैं, और वो दो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कौन कौन से हैं, एक तो है भारती एक्सा ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, और दूसरा है जिसका लमसम बेनिफिट जो है वो 25,000 का है, और दूसरा है ग्रुप हॉस्पिटल कैश, इसका जो कह सकते हैं डेली बेनिफिट है वो 500 रुपीज़ का है। तो ये दो इंश्योरेंस भी साझा हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेम द पर्सन हु हैज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नास्कॉम। नास्कॉम के अध्यक्ष के रूप में या चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है, तो नास्कॉम के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है यूबी प्रवीण राव को। किसको चुना गया है, यूबी प्रवीण राव को। नास्कॉम का दोस्तों फुल फॉर्म यहाँ पर देखेंगे हम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, इसको हम लोग नास्कॉम बोलते हैं। और इन्होंने अपॉइंट किया है किसको, इन्फोसिस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो थे उनका नाम था यूबी प्रवीण राव, इनको जो है यहां पर अध्यक्ष के रूप में यानी चेयरमैन के रूप में बनाया गया है। साथ ही रेखा एन मेनन को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया 2020-21 के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन वुमेन क्रिकेटर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेप्सिको। उस भारतीय महिला क्रिकेटर का आपको नाम बताना है जो पेप्सिको के लिए ब्रांड एम्बेसडर जिसको जो है नियुक्त किया गया है, पेप्सिको के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है शेफाली वर्मा को। किसको नियुक्त किया गया है, शेफाली वर्मा को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शेफाली वर्मा को नियुक्त किया गया, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं शेफाली वर्मा सिर्फ 16 साल की सब कह सकते हैं काफ़ी छोटी उम्र की महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं, और ये इनका ये पहला कह सकता हूँ कि इनका ये पहला कॉन्ट्रैक्ट है किसी इस तरीके के ब्रांड मेजर के द्वारा, किसी बड़े ब्रांड के साथ हाथ मिलाने का इनका पहला कह सकते हैं कि ये अनुभव है। और एक साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे आपको ये भी बता दिया जाए कि जो पेप्सिको है यानी कि पेप्सी जो है जो पेय पदार्थ की कंपनी है, इसने सलमान खान के साथ दो साल के लिए कह सकते हैं सलमान खान इनके फेस हैं, तो इस बात का साइन अप जो है वो भी हुआ है 2 साल का सलमान खान के साथ। आपने देखा होगा सलमान खान जो है वो स्वैग वाला साइन लेकर के पेप्सी के एड में आते हैं। नेक्स्ट है द वर्ल्ड हेल्थ डे 2020 इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। प्रत्येक वर्ष 2020 में हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है,
कब मनाया जाता है, 2020 में कब मनाया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हर साल मनाया जाता है, 2020 में कब मनाया गया है ये क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया है 7 अप्रैल को। कब मनाया गया है? 7 अप्रैल को। और इसका स्पॉन्सरशिप जो होती है वो कह सकते हैं कि WHO के द्वारा होती है, WHO इसका स्पॉन्सर है। और 2020 में इसका जो थीम रखा गया है वो थीम है टू सपोर्ट नर्सेज एंड मेडवाइव्स। और साथ ही साथ 2020 को WHO के द्वारा ईयर ऑफ नर्सेज एंड मेडवाइव्स घोषित किया गया है, ईयर ऑफ नर्सेज एंड मेडवाइव्स घोषित किया गया WHO के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है, एज पर कैग रिपोर्ट द व्हाट परसेंटेज ऑफ क्राइम रिलेटेड टू इन्वॉल्वमेंट इन कंट्री कमिटेड इन राजस्थान ड्यूरिंग 2014 to 16। 2014 से 16 के बीच में AG की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में देश में पर्यावरण से संबंधित कितने प्रतिशत अपराध हुए हैं। तो कितने प्रतिशत अपराध हुए का मतलब यहाँ पर ये है कि जो रूल रेगुलेशंस बने होंगे उसका पालन नहीं हुआ है, तो वही पूछा गया कितने प्रतिशत अपराध हुए हैं। तो ये हुए हैं 40.59%। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एक्ट्स दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो मेजर क्राइम्स हुए हैं वो क्राइम्स जो है वो किससे रिलेटेड हैं, जो मेजर क्राइम हैं वो रिलेटेड हैं द वायलेशन ऑफ फॉरेस्ट कन्वर्सेशन एक्ट 1980 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इन दो का वायलेशन हुआ है। और ये एक्ट जो है विद डेट आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब से पारित हुआ है, तो 1972 का है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर अगर आप SSC के स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 40.59% जो है क्राइम हुआ है ये 31 मार्च 2018 को इसकी रिपोर्ट कैग के द्वारा प्रस्तुत करी गई थी। कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसमें जो है आप देख ही सकते हैं कि किस किस प्रकार की चीज़ें हुई हैं, कटरिंग, पॉइजनिंग, स्नैरिंग एंड ट्रैपिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये सारी जो है हुए हैं, ठीक है। नॉन फॉरेस्ट वर्क के लिए फॉरेस्ट का उपयोग किया गया है। विच इंडियन मिनिस्ट्री डिवाइड्स हेल्थ सेंटर्स इंटू 3 कैटेगरीज फॉर COVID-19 पेशेंट। COVID-19 पेशेंट के लिए किस इंडियन मिनिस्ट्री ने 3 प्रकार से कह सकते हैं कि हेल्थ सेंटर्स को डिवाइड किया है। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 3 प्रकार से कैटेगरी बनाई गई है। और वो 3 प्रकार की कैटेगरी कौन कौन सी है, पहली है आपकी पहली आपकी कोविड केयर सेंटर, दूसरी आपकी डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और तीसरी आपकी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स। ये 3 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड करके रखा गया है पूरे हेल्थ केयर कह सकते हैं ऑपरेशन को, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, व्हाट इज़ द ग्रांट दैट वाज एलोकेटेड बाय SAARC डेवलपमेंट फंड फॉर COVID-19 प्रोजेक्ट। COVID-19 प्रोजेक्ट के लिए SAARC विकास निधि द्वारा आवंटित किया गया अनुदान कितना है। तो आवंटित किया गया यहाँ पर अनुदान है 5 मिलियन, तो 5 मिलियन का है, ठीक है। आगे लिखें, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले तो SAARC का फुल फॉर्म, और SAARC का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी में इसे दक्षेस बोलते हैं, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, दक्षेस बोलते हैं। दक्षेस में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, ये इस तरीके से जो है इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में। और यहाँ पर देखा जाए तो 5 मिलियन लगभग 38 करोड़ का जो है एलोकेशन हुआ है सहायता राशि के रूप में COVID-19 से। जो 8 कंट्रीज हैं दक्षेस में, 8 कंट्रीज हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसके पेंडेमिक से बचने के लिए ये सारे राशि का अनुदान किया गया है। अगला बात है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी SIDBI अनाउंस टू अप्रूव एमरजेंसी वर्किंग कैपिटल अप टू हाउ मच फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज SMEs या SMEs बोल सकते हैं इसको आप। लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया यानी SIDBI ने लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए कितनी सहायता राशि कार्यशील पूंजी प्रदान करने की घोषणा करी है, आपातकालीन कार्यशील पूंजी प्रदान करने की घोषणा करी है। तो ये है 1 करोड़, कितनी है 1 करोड़, यानी 1 करोड़ की आपातकालीन कार्यशील पूंजी प्रदान करने की घोषणा किसकी तरफ से करी गई है, SIDBI की तरफ से करी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको और ध्यान रखना है, SIDBI ने क्या किया है कि जो उसकी लोन लिमिट है उसको इंक्रीज करके 2 करोड़ कर दिया है 50 लाख से बढ़ा करके, ठीक है। हाँ, किस चीज़ के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ है द SIDBI असिस्टेंस टू फैसिलिटेट एमरजेंसी रिस्पॉन्स अगेंस्ट कोरोना वायरस लोन लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज टू 2 करोड़ फ्रॉम 50 लाख। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। अभी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि एयरटेल पेमेंट से उसका साझा हुआ है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, तो जो उसमें पूछा गया, इस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है पराग राजा को। पराग राजा जो हैं ये इसके एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए हैं भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के। ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने विकास सेठ का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? विकास सेठ का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है, विच जापानी मल्टीनेशनल कंपनी हैज़ एक्वायर्ड 80.1% शेयर कैपिटल फॉर स्विस बेस्ड एबीबी मैनेजमेंट होल्डिंग एजी। किस जापानी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने स्विस आधारित एबीबी मैनेजमेंट होल्डिंग एजी की 80.1% शेयर पूंजी अर्जित करी है? तो ये है हिताची, और ये जो कह सकते हैं कि ये जो जापानी कंपनी जिसका नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो कंपनी है जिसका नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं एबीबी मैनेजमेंट होल्डिंग, तो ये कह सकते हैं कि जो विद्युतीय उपकरण बनाने वाली ये कंपनी है, और इस विद्युतीय उपकरण बनाने वाली कंपनी के 80.1% शेयर जो हैं वो किसने ले लिए हैं? वो ले लिए हैं आपके हिताची लिमिटेड ने, ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंपनी हैज साइंड कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम इंडियन आर्मी टू इंस्टॉल स्टेट ऑफ आर्ट टू आईटी इनेबल्ड नेटवर्क अंडर नेटवर्क ऑफ स्पेक्ट्रम। नेटवर्क ऑफ स्पेक्ट्रम मतलब NFS। तो नेटवर्क ऑफ स्पेक्ट्रम के तहत अत्याधुनिक आईटी सक्षम नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय सेना के साथ अनुदान किया है? तो ये अनुदान या अनुबंध किया है, ये अनुबंध हुआ है लर्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के द्वारा, या इसको शॉर्ट में आप LNT भी बोलते हैं, ठीक है। तमाम जगहों पर आपने LNT के बारे में सुना होगा, देखा होगा, LNT लर्सन एंड टुब्रो ये कंपनी है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये किसके साथ संबंध हुई है, किसके साथ इसका साझा हुआ है? इंडियन आर्मी के साथ, उसके IT सेल के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, When was the International Romani Day was observed annually? When was the International Romani Day was observed annually? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 8 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, माफ कीजिएगा, 8 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, 8 अप्रैल। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक। तो प्रत्येक वर्ष जो रोमानी दिवस है वो मनाया जाता है 8 अप्रैल को पूरे विश्व में, और ये रोमानी पीपल्स के कह सकते हैं कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए किया जाता है। रोमानी पीपल्स जो हैं वो एक तरीके से इंडो आर्यन प्रजाति के जो लोग होते हैं वे रोमानियन हैं, तो इनके कल्चर को मनाने के लिए रोमानी डे मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर्स, उम्मीद है आपको ये करंट अफेयर्स जो है ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लगातार वॉच करिए, देखिए, समझिए, और किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। उम्मीद है आपको ये सारे के सारे सेशंस पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।